देश भर के पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवान 2 से 6 मार्च तक गोविंद सागर झील में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन 2023 की मेजबानी इस बार हिमाचल प्रदेश को मिली है। ऊना जिले के अंदरौली में आयोजित होने वाली पुलिस की नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 423 जवान हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर ऊना पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में ये प्रतियोगिता 2 मार्च को शुरू होगी और 6 मार्च को इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन होगा। वहीं इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वाटर स्पोर्ट्स के तहत आती विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। 22वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे जिला ऊना के पुलिस कप्तान अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस की इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साथ ITBP, BSF, SSB सहित अर्धसैनिक बलों के जवान भी हिस्सा लेंगे। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 मार्च तक अंदरौली ऊना में हिमाचल पुलिस मेजबानी करेगी ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की। ये चैंपियनशिप जो है इसमें कनूइंग, कयाकिंग, स्कलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे। इसमें अभी तक 19 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें ITBP, BSF, SSP, स्टेट पुलिस जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार इत्यादि जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 423 जो है इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 5 दिन जो ये इवेंट चलेगा, इसका आयोजन जो है अंदरौली में किया जाएगा। ये काफ़ी भव्य आयोजन होगा और इससे ना केवल स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अंदरौली का एरिया है वो काफ़ी सुंदर और अच्छा है, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।